इसको पश्तो में कहते हैं कुबई। वैसे तो ये शलवार में हवा भरने से बनता है, लेकिन पठान इसको लाइफ जैकेट के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। आज का हमारा सफ़र है वली तंगी की तरफ। वली तंगी क्वेटा से 20 किलोमीटर के फासले पर है और यही क्वेटा का सबसे करीब तरीन पिकनिक पॉइंट है। वली तंगी को जाते हुए रास्ते में हना झील भी आती है, तो हमारा पहला पड़ाव हना झील और उसके बाद हम वली तंगी जाएंगे। झील पहुंच के हमें पता चला कि झील का पानी खुश्क हो चुका है, मगर साथ में ये भी पता चला कि कुछ ही दिनों बाद बारिशें शुरू हो जानी है और फिर उसके बाद झील का नज़ारा कुछ यूं होगा। और सर्दियों में जब यहाँ पे बर्फ पड़ती है तब झील का नज़ारा कुछ इस तरह होता है। हना झील एक ज़माने में वाटर पार्क हुआ करता था और यहाँ एक चेयर लिफ्ट भी चलती थी। मुझे एक मकामी शख्स ने बताया कि चेयर लिफ्ट से एक माँ और बच्चा गिर गए थे, उसके बाद से ये चेयर लिफ्ट बंद कर दी थी। वली तंगी डैम के पास हमें एक चरवाहा मिला। मेहमान नवाजी के जज्बे में उसने हमें जानवरों का ताज़ा दूध निकाल के दिया। नासिर ने दूध से चाय बना ली और वो चाय अभी तक मेरी ज़िंदगी की सबसे जायकेदार चाय थी। पेट पूजा से फारिग होने के बाद हमने सोचा कि क्यों ना कुछ वीडियो बना ली जाए।